नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के कर्मचारियों के नंबर वन न्यूज चैनल डीजी हिमाचल में। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। सूबे में आयकर चुकाने वाले बुजुर्गों को नहीं मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। बजट घोषणा की संशोधित अधिसूचना में अपात्रता नियम 6 किया गया लागू। सरकारी सेवा की पेंशन लेने वाले दंपति भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हकदार नहीं। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से ₹1,000 मिलेगी पेंशन। आयकर चुकाने वाले बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से वृद्धावस्था पेंशन में ₹1,000 देने का सरकार ने फैसला लिया है। बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इस बजट घोषणा की संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए इसमें सामाजिक सुरक्षा यानी कि पेंशन भत्ता नियम 2010 के अपात्रता नियम 6 के तहत उपनियम 5 लागू कर दिया है। सरकारी सेवा की पेंशन लेने वाले दंपति भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के हकदार नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से ₹1,000 वृद्धावस्था पेंशन देने की अधिसूचना 8 अप्रैल को जारी की थी। इसके तहत 60 से 64 वर्ष आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। 60 से 69 आयु के पुरुष भी बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए पात्र होंगे। वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्धता की प्रति सहित सीधे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने होंगे। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। बुधवार को संबंधित विभाग ने पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा की पेंशन ले रहे दंपति अथवा आयकरदाता वृद्ध दंपति बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए ये संशोधन किया गया है। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।